नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप गौतम और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़। 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में, और हमारे समक्ष बैठे हैं एक आज़ाद उम्मीदवार। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ मुद्दे लेकर वो इस विधानसभा में उतरे हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मुख्तियार सिंह। मुख्तियार सिंह जी, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप इससे पहले क्या करते थे और कैसे आपका एक जो मन बना कि विधानसभा चुनाव लड़े जाएं? मेरा पिछला जीवन जो है, मैं बाई नेटिव प्लेस गांव खरेंटी डिस्ट्रिक्ट रोहतक से बिलोंग करता हूं, और हमारे पिताजी 1950 में चंडीगढ़ आए और इस शहर के डेवलपमेंट करने में वो एक हुए, जिसमें कि एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क जो उन द्वारा 95% करवाया गया, हाई कोर्ट, असेंबली हॉल, सेक्रेटेरिएट, झील का एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क उन द्वारा 95% करवाया गया। उसके साथ प्रभु कृपा से प्रफुल्लता के कारण ज्वाइंटली फैमिली के नाते 2-3 कोठियां सेक्टर 28 में निर्माण किया गया, और उनके निधन के बाद मेरी भौतिकवाद की लाइन कटने से मैं आध्यात्मिक लाइन से जुड़ गया। इससे पहले भी मैंने 1980 में एक लोकसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया था, जिसमें मेरा निशान साइकिल था। उसके बाद 1984 में भी मैंने दोबारा से लोकसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया, जिसमें मेरा निशान दाणे बरसाता किसान था, और उस निशान के प्रति मैंने एक रिट डाली थी, लेकिन पिताजी का हाथ सिर पे ना होने के वजह से मेरे पास वकील की फीस ना हो पाई और वो रिट मेरी डिसमिस कर दी गई। अगर मैं वकील को फीस दे पाता तो शायद वो बगैर कुश्ती लड़े मैं भारत के बड़े बड़े नेताओं, दिग्गजों को भी उसमें ये दिखाता कि एक आम आदमी क्या कर सकता है। और ये विधानसभा के अंदर उन्हीं की, गुगा जी की प्रेरणा अनुसार मैंने ये पर्चा दाखिल किया। मेरे पर्चे के समय भी मेरे साथ एक प्रशासन द्वारा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मेरे साथ एक वर्बली उन्होंने मुझे नहीं इन रिटर्न देने दिया। मैंने निशान मांगा था घुड़सवार, साइकिल और दाने बरसाता किसान, लेकिन ना ही तो उन्होंने मुझे वो लिस्ट दिखाई और उनकी अनभिज्ञता प्रकट करके मुझे एसी निशान दे दिया। तब मान्यता करवाऊंगा, ये मेरा पहला उसके अंदर एक निवेदन है। क्योंकि अब मतलब अगला, हाँ जी अगला बताइए। हाँ, अगला है कि एक गरीब परिवार किसी भी राज्य से आकर के कहीं वो मजदूरी करता है और वहाँ उसका निधन हो जाता है, तो उसकी औरत को जब तक वहाँ किसी नंबरदार की या सरपंच की पगार ना की जाए तो उसको वो बूढ़ा, वो विधवा पेंशन लेने में असमर्थ रहती है। तो मेरा उसके प्रति ये कहना है कि जब एक सरकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया, मिल गया कि उसका निधन हो गया, तो बिना देरी किए उसकी पेंशन लगनी चाहिए। दूसरों की रिकमेंडेशन का इसमें क्या तुक है? उसमें सरकारें, जितने भी राज्य हैं, किसी ने कंडीशन लगा रखी 10 साल का यहाँ रिहायशी हो, किसी का 5 साल का हो, तो एक आदमी कहीं भी अचानक मर तो गया, वो ये तो प्रमाण है कि वो उसका निधन हो गया। लेकिन ये, इसलिए मैं ये भी करवाऊंगा, किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई कुदरती विधवा हो जाती है तो उसका बगैर देरी किए, बगैर विलंबता के वो मैं उसकी पेंशन लगवाऊंगा। नंबर 3, जो चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम चेक कराने का नाटक किया जाता है या दिखाई जाती हैं किसी भी एक पात्र को, किसी भी उम्मीदवार को, वो एक केवल अपना खाना पूरी कर रहे हैं, किसी को भी उस टेक्निक का नहीं पता कि उसके अंदर वो हेर फेर कैसे होता है।
जैसे इनके प्रति रिट भी डाली है पार्टियों ने कि इसके अंदर घोटाले होते हैं, इसलिए हमने ये मांग की है कि उसकी जगह बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।